कंफ्यूज हो गया है, पाजी ने कंफ्यूज कर पाजी क्या सोच रहे हो साहब? वर्क इसका भाई बहुत खुश हूँ। इसकी फुल्ली ऑफ रोडिंग बाइक बन चुकी है, जैसे आप देख सकते हो कभी लगाया है तो परफॉर्मेंस वाला इसके अंदर लगा दिया गया है। एयर फिल्टर और इसमें T5 का एग्जॉस्ट फुल सिस्टम। तो अब निकल रहे हैं हम घर से, बाइक लेकर राइड तो कैंसिल हो गई है अभी दिन के लिए, दोपहर का पता नहीं। संतोष भाई बोल रहे हैं दोपहर में राइड करेंगे, देखते हैं बाकी की कमी जो थी वो शायद आज पूरी हो जाएगी। आज एक नया सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए, अब वो सरप्राइज़ ही रहेगा खैर। और सरप्राइज़ क्या है वो पता लगेगा बाद में कि सरप्राइज़ क्या है। चल लगा ली है और पहुंच रहे हैं अभी पाजी के पास। एंड पाजी के पास पहुंचने का दो रीज़न्स है, कुछ हमारा काम है कुछ उनका काम, दोनों का काम होगा तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। तो जी आज दिखाते हैं आपको दिल्ली के लोहे के पुल की सैर कराते थे थोड़ी सी, ये देखो जी। रेयर चांस होता है कि मैं इससे आता हूँ, बस मैं इससे आता नहीं हूँ। ये देखो जी गुड़गांव के लिए सीधा, और हमें जाना बिल्कुल सीधा गुड़गांव। समय कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, अभी समय देखा जाए तो समय हुए हैं 3:30, और 3:30 बजे अगर हम निकल रहे हैं तो समझ लो कि 1 घंटा लगेगा हमें, 1 से 1.25 घंटा। अगर जाम नहीं मिला तो, जाम मिला तो कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है फिर तो। जाम का तो कोई इलाज है ही नहीं किसी के पास। भाई छोटी मोटी ब्लॉगिंग तुम्हारा बाइक कर ही लेता है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं करता, छोटी मोटी। बड़ी तो उस लद्दाख टूर पे देखने को मिली थी आप लोगों को, क्योंकि प्यार ही इतना दिखाया आप लोगों ने कि मैंने पूरा ही पूरा ब्लॉग कंप्लीट किया हुआ लद्दाख टूर का। तो लो जी लो हमें घुसना है टनल के अंदर, और अब तक आपने देखी मनाली की टनल, और अब आप देख लो हमारे प्रगति मैदान की टनल, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे कितनी राउंड बना रखी है यार, तो ऐसा लग रहा है पहाड़ों में घुस गया। देख रहे हो प्रिंटिंग कितनी अच्छी कर रखी है यार। लो जी स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर, मतलब 30 की लिमिट बोल रहे हैं, 30 की लिमिट चलाइए, ज़्यादा भगाएंगे तो चलान भी हो सकता है। तुम जा, मेरे को राउंड अप होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है घूमने में। मैं संतोष भाई नहीं हूँ, संतोष भाई हैं प्रोफेशनल राइडर, तो नॉर्मल राइड करते हैं। देखो जी देखो पूरे ब्लैक इसके शीशे हैं फॉर्चुनर के, और ऊपर भाई मुझे नहीं पता क्या है, किस चीज़ की एंटीना और क्या लगा रखा है। मुझे ज़रा टूरिंग के लिए कर रखी थी यार, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, बाकी मैं कह नहीं सकता क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। भाई लोग थोड़ी सी दूर है, आप पौना घंटे रास्ता रह गया। तो लो जी हम आगे धौला कुआं पे लग गया है, बहुत ज़्यादा जाम, बट ऐसे चलता रहे कोई दिक्कत नहीं है, जाम की टेंशन नहीं है, बट चलता रहना चाहिए क्योंकि अगर जाम में फंस गए तो दिक्कत हो जाएगा, चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना सुंदर लग रहा है, उधर से आ रहे हैं इधर जा रहे हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। हम भी थोड़ा निकाल ही लेते हैं गाड़ी को, जितनी जल्दी निकालेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, सब वेट कर रहे हैं हमारा। तो जी फाइनली हम वैसे तो पहुंच गए हैं रेडिशन एम्बियंस मॉल, जहां पर आपको बाइक की भरमार देखने को मिलती है, बट आप बाइक नहीं मिलेगी, हम अकेले मिलेंगे इधर, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पता है ना रास्ता यहाँ से थोड़ी सी दूर है पाजी के घर का, और हम जा रहे हैं पाजी के घर। तो फ्रेंड्स लोग आ चुके हैं हम समीरन और संतोष के घर के बिल्कुल नज़दीक,
देख के बस पूछो मत। बहुत ही जल्दी आ गए हम बाइक की वजह से, बाइक नहीं होती तो फिर हम लेट हो जाते। जैसे कि मैंने बताया स्कूटी और बाइक दो ऑप्शन मेरे लिए ठीक था, तीसरे वाले में दिक्कत हो सकती थी मुझे, बट कोई बात नहीं, जल्दी जितना आए उतना हमारा फ़ायदा, सभी का फ़ायदा, सभी कर रहे हैं, सिर्फ मेरा वेट, मेरा सिर्फ मेरा वेट हो रहा है कि मैं कैसे भी करके जल्दी पहुँचे, वरना तो आधा घंटे पहले ये लोग निकल जाते, जहाँ भी निकलना आधा पौन घंटे पहले निकल जाते, बट अभी नहीं निकले हैं क्योंकि चल रहा है किसका अपना ब्रेक। ये लो जी थार भाई साहब बिल्कुल चुपका के ले जा रहे हैं, देख रहा गलती किस लग जाएगी तो फिर कहेंगे भैया हम तो अपना साइड में चला रहे थे भैया, तो ये सीन है इनका। चलो बाकी अब सीधा पहुंचते हैं घर, दो मिनट का रास्ता रह गया, घर पहुँच कर फिर आपको बताते हैं, दिखाते हैं, मिलाते हैं सभी से। तो जी आ चुके हैं हम समीर संतोष और पाजी के पास, लिफ्ट ओपन हो रही है, बस लिफ्ट ओपन होते ही पहुंच जाएंगे वहां पर, और हो सकता है वो भी इसी में आ रहे हो। और भाई साहब मज़ा आ गया आज, बड़े दिन बाद थोड़ी सी लंबी बाइक चलाई है ना इसलिए। तो हम आ चुके हैं कहां पर, हमारे संतोष भाई के घर पर, अपने जिगरी यार के घर पर आ चुके हैं हम। अरे अरे भाई भी आ जाए पर यार, ओ पाजी की हाल चाल, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया भाई, मजा आ गया ड्राइव करा, पहली बार मैंने 40-45 किलोमीटर ड्राइव करी है बाइक पे, वो भी जाम में, जाम ही लगा था, जाम तो बधेरा था, जाना था सुपर आने गाड़ी पे आ गए, नहीं तो 1-2 घंटे वो लेट हो जाते, नहीं तो मैं पक्का पूरा लेट होता भाई। तब ये स्टाइल मोबाइल घुमाने में भटक गए, जैसे रजनीकांत चश्मा घुमाता था ना ये मोबाइल घुमाते हैं यार, आगे से मुझे कैसे रखना था इसको आपने सिखा दिया, मैं सीख गया। नहीं बढ़िया बढ़िया। और वो देखो हमारे समीरन भी रेडी है, सबसे लेट लेती हमारा यही होता है, देखो जूते पहन रहा बंदा, मतलब इतना लेट लेती बंदा कैसे हो सकता है यार। और ये भाई हमारे समीरन भाई के भाई है ना, सही बोलो ना, देखा डिटॉल भी हाथ साफ करने आता तुम्हें, देखो जी बाइक चला कर आया ना, नहीं मेरे हाथ साफ है चिकने बाइक चला के भी, उस दिन ही गंदे थे आज भी साफ है, जिस दिन इनकी बाइक करी थी उस दिन हाथ गंदे ज्यादा हो गए, दो दिन में हाथ साफ होते मेरे, अब क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब पुलिस वाला ने रोका किसकी वजह से, उसका कारण बताता हूँ मैं, ये बंदा उन्हें शक्ल देगी भाई साहब इसको पहले रोको, लेकिन लाइसेंस वाइसेंस सब कुछ था, उन्होंने बोला जाओ, नहीं वैसे एक चीज माननी पड़ेगी ना, कि शक्ल देख के रोकते हैं, नहीं रोकते, नहीं रोक लेते भाई, शक्ल देख के हो सकता है इसकी शक्ल ना देखी, मेरी शक्ल देख के रोक लिया, नहीं नहीं ड्राइवर की शक्ल ज्यादा देखते हैं पहले, क्या हुआ था पीछे राजू भाई का शक्ल देख, ये भी तो हो सकता है, देखा ही नहीं उसने भाई साहब, तुम भी तो देखा ही नहीं उसने भाई साहब, संतोष भाई गाड़ी ड्राइविंग चलाता उसने देखा, उसने कहा भाई खतरनाक ड्राइविंग कर रहा है, इसको रोका जाए, हालांकि होना कुछ नहीं था लेकिन थोड़ा सा टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है, बाकी ठीक है, पांच मिनट वेस्ट हुए लेकिन कोई बात नहीं, भी होता है कभी कभी, तो वैसा अच्छा लगा कि ऐसा भी होता है बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, बड़ी गाड़ियों में ही होता है ऐसा राजू भाई, यहाँ बड़ी गाड़ियों में रोका जाता है, दिल्ली में नहीं रोकते, गुड़गांव में बड़ी गाड़ी रोकेंगे, शिफ्ट में आओ कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, चलो जी ठीक है, अल्टो में घूम रहे हम भाई, एग्जॉस्ट ऑन करके हमें कोई नहीं रोकता, सुन लिया जी इनकी बात सबकी सुन लिया, और भैया मेरी भी थोड़ी बात सुन ले, मैं सूट पे आऊंगा, मैं देखूंगा मेरे को रोकते नहीं रोकते, तो भाई साहब देखो मैंने शूज लेने की थोड़ी सोच ली, मैंने चलो मैं शूज लेता हूँ, आज बड़े दिनों शूज नहीं लिए, तो पाजी और हमारे समीरन भाई दोनों कह रहे हैं कि जहाँ पे जाना जहाँ अच्छे शूज और सस्ते रेट मिल जाएंगे, तो मैंने सस्ते मैंने चार्ज जोड़ी करूंगा, तो इस बंदे का डायलॉग सुनो जरा, क्या कह रहे भाई साहब, कुछ नहीं कह रहा, कुछ तो कह रहे जा रहे थे, मैंने क्या कहा, नहीं कह रहे थे ना, पक्का दिलाओगे, एक मिनट पहले तो पहले तुम आ, तुम पहले तुम कंफर्म करो, फिर बंदे ने डायलॉग क्या मारा भाई, मेरे को भी दिला देना भाई, डायलॉग के पैसे लगते भाई, जाम में जाना था बाइक के लिए कुछ बुक करने के लिए, वो तो हमारा थोड़ा सा कल के लिए डिले हो गया, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो शोरूम क्लोज हो गया था, बट बात हुई थी कल मीटिंग है, कल जाएंगे उसके लिए, बट अभी के सिनेरियो में हम क्या है शूज सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आते, जल्दी से नहीं आते मुझे शूज़ पसंद, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि पसंद आ जाए कुछ, और जो पसंद आएगा उसी सीधा ले लेंगे, सिंपल सोवर ही अच्छे लगते हैं मुझे, देखते हैं कौन सा सिंपल सोवर अच्छा लगता है, पहले 3-4 शूज़ निकाले हैं, देखो पाजी ने कुछ पसंद करते हैं हम, कौन कौन सा है कौन सा नहीं है, जो अच्छा लगेगा ये तो हमारा ही है, जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, लेना तो है, लेकिन भाई साहब
पाव जी ने एक बेहतरीन आइडिया दिया है मुझे और मैं उनके एडवाइस पर ना खरा उतरने वाला हूँ पूरी तरीके से। पाव जी क्या एडवाइस देना चाहते हो? भाई दोनों जूते जो तुमने पहने ना उनको अलग अलग भी पहन सकते हो, साथ में भी पहन सकते हो, अलग अलग मतलब एक कोई और दूसरा कोई और। जैसे कि मैं देख रहा हूँ एक ये और एक ये और मैं सुनो दोनों जब पाजी ने भी ओके कर दिया और पसंद मुझे दोनों ही आ रहे हैं तो मैं सुनो दोनों ही कर लेता हूँ। जैसे हैं पहन रखे हैं ऐसी तरीके से पहनूंगा, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा, अलग भी लगेगा और फैशन भी हो जाएगा। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी करते हैं ट्राई और फिर इनको लेते हैं पहले, बाकी देखेंगे। बहुत हो गई शॉपिंग करके जो भी काम थे निमटान उमटू के, एक जो काम बचा है वो कल कर लेंगे, छोटा सा काम है, ज़्यादा बड़ा काम है नहीं उसके अंदर। और अब थोड़ी पेट पूजा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं इधर गोल्स वगैरह ले रहे हैं इधर आए हुए 23 सेक्टर 23 के मार्केट जो कि पड़ते हैं गुड़गांव के अंदर, यहाँ पर सारा कुछ वेज नॉनवेज सब कुछ है और अभी बन रहा है हमारे रोल्स वगैरह सब सभी भाइयों के लिए। आप क्या खा रहे हो भाई साहब? जो आप खा रहे हो आप बताओ। पनीर रोल क्योंकि मैं भी पनीर रोल खा रहा हूँ इसलिए उन्होंने बोला कि जो आप खा रहे हो। ये चिकन रोल, ये भी चिकन रोल भाई साहब, क्या आप भी चिकन रोल, ये भी चिकन रोल, सब चिकन। हम दो वेज हैं सर, वेज ही। एक ट्रिक से सब कुछ पता लग जाता है। गाड़ी में खा रहे हो? एक ट्रिक कितनी छोटी सी ट्रिक आज मैं ही मैंने आज ये हमारे संतोष भाई तो वेजिटेरियन है और मैं भी वेजिटेरियन हूँ तो ये सामने दिख रहा है आपको ये जो भी है चूरमा और ये चिकन चूरमा है ठीक है ना। तो मुझे ये कहा गया कि वेज है और मैंने कहा ये खाएगा तो मैं खाऊंगा, ये हमारे संतोष भाई ये खाएंगे तो खाऊंगा वरना मैं नहीं खाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं चिकन है और क्या बनाई जा रहे हो? केले आप से बात कर लो। ओ भाई ये ब्लॉग पे मतलब दिखाता है। बताओ भाई साहब इन्होंने रिकॉर्डिंग ही बंद कर दी है वहां पे। रिकॉर्ड है? रिकॉर्डिंग है ये ब्लॉग में अलग बता रहे हैं। ब्लॉग में नहीं बताते ना तुम चिकन खाते हो? मैं चिकन खाता ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? मैं चिकन खाता ही नहीं, सबको पता। सबको कैसे पता? तुमने जो बताया मैं वही पता है ना, हमसे पूछो मैं दिखाऊंगा इनकी चिकन खाते हुए वीडियो, मेरी वीडियो में देख लेना। डन 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 आज ही दिखाऊंगा। डन मैं भी देखता हूं क्यों नहीं रहा भाई, कैसे भाई मेरे हाथों चलेगा तुम्हारे साथ। चिकन खाते हुए और साथ में कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ और पीते हुए भाई आ चुके हैं यहाँ पर। क्या भाई साहब क्या मंगाया है? पनीर मोमोज। और देखो बंदे इतनी थोड़ी भूख ले रहे, पहले खाने में व्यस्त हो गए, उन्होंने कहा कि जल्दी खत्म ना हो जाए इसलिए खाना ले लिया है। अब दोबारा से जा रहे हैं डिफेंडर में और अंदर घुसकर अब हम क्या करेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे और घर पहुँचेंगे। घर पहुँच कर खाएंगे और उसके बाद सीधा पहुँचेंगे अपने घर और क्या करेंगे क्योंकि लेट ज़्यादा हो चुके हैं। बाइक शायद मैं ना लेके जाऊँ, ओला उबर कुछ ना कुछ करके लेके जाना पड़ेगा मुझे, देखते हैं क्या होता है। The next day. तो फाइनली अब आज हम थोड़ा सा लेट उठे हैं, लेट उठने के बाद हम जा रहे हैं सीधा कावासाकी। कल जाना था कावासाकी बट ज़्यादा लेट हो गए तो इसलिए कावासाकी नहीं जा पाए और फिर हमारी बात हो गई थी तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं आप मॉर्निंग में आ जाइए। तो अब मॉर्निंग हमारी हो रही है 2:30 बजे जो कि हम जा रहे हैं सीधा कावासाकी और हम। और देखो इनकी नई टी शर्ट दिख रही है, ओ भाई साहब देख रहे हो प्यूमा के ग्लव्स लेकर आए और मैं प्यूमा के शूज, ठीक है ना, दोनों प्यूमा के शूज। और इस बंदे को देख लो, एक चीज है इस बंदे की मैंने एक चीज नोटिस करी है, इसको खाने पीने के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। तो यही जिंदगी यही है इस बंदे की, जिंदगी है। घर से बाहर जैसे कि बताया था मैंने आपको कि सरप्राइज है जो आप लोगों को पता जल्दी लग जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो सारे भाई जा रहे हैं वहीं पर ही और यहाँ के बाद सीधा जाएंगे हमने शॉप पर। शॉप पर एक दो काम है और एक्सपल्स भी उठानी है और हमारी जो बाइक है वो भी चला रहे हैं फिलहाल हमारी जो बाइक है वो चला रहे हैं हमारे संतोष भाई। देखो जी देखो कुछ अलग ही नज़ारा इधर का देखने को मिल रहा है। हमें थोड़ा सा चेंज पहले इसके एक्सपल्स लेनी है समीरन भाई की, और समीरन भाई की एक्सपल्स जो कि गुवाहाटी से मंगाई थी वो आ चुकी है, ट्रक में खड़ी है अभी, करीब 44 मिनट का रास्ता दिखा रहा है वहाँ का और 44 मिनट जाने चवाली मतलब 1.5 घंटा हमें आने जाने के लगेगा फिर हम जाएंगे और हम। और ये 1250 निकलते हुए आगे कम तो अपनी भी नहीं है क्योंकि अपनी भी दम तो है भाई, दम तो है अपनी, कब तो अपनी भी नहीं है। और इसके बाद जो दूसरी बाइक है वो सुपर बाइक जो आएगी भाई सर मज़ा ही आ जाएगा, फिर अलग ही लेवल की बातचीत हो जाएगी। अब देखो भाई सर आगे है 1250 और पीछे है हमारी इंटरसेप्टर और
आगरी इंटरसिटी 140 भगा दी भाई ने, और सच बताऊँ तो मैं तो 120 से ज़्यादा कभी भगा ही नहीं। 120 के बाद मेरा तो दिल नहीं करता इसे भगाने का, बट 140 और बाइक बहुत ही अच्छी स्पीड भागती हुई, और ये आगे 1250 समीरन रास्ता बता रहा है। देखो जी, दिल्ली में भी ऑफ रोड है भाई, दिल्ली गुड़गांव ये लो जी कितना तगड़ा ऑफ रोड है कि डस्ट उड़ी जा रही है, उड़े जा रही है बहुत ही तगड़ी। गाय गाय की भरमार है यहाँ पर, 1 2 3 4 कोई गिनती नहीं है, बैल भी है इसके अंदर, गाय और बैल दोनों एक साथ आप देखने को मिल गया आपको। एक्सपल्स वो खड़ी, और अब दोनों ये जो मरी चलाए मैं तो उस पर बैठूँगा, पीछे इसके पीछे बैठना मैंने इस पे। इस पे का बैटर बाइक चला लो ना तुम। इनका 200 का है, मेरा 400 है। बाय बाय। अरे बैठ जाओ उस पे। अरे नहीं नहीं मैं उस पे नहीं बैठा, मैं इस पे। अरे कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल नहीं, सही कह रहा है यार वो, बताया उनने सही है। हेलो गूगल मैप लगा ले उसमें कहीं। लगा लूं? बाहर निकलने के लिए ठीक है, सीधा हाईवे से जाना है, घर की तरफ नहीं जाना दोबारा, सीधा हाईवे से नारायणा। चलो जी तुम कल से हुए थे लेकिन पहुँचेंगे आज, क्योंकि सारे काम जो थे ना निपटाने के बाद ही होता है, सारा काम अब निपट गए सारे काम, अब सीधा पहुँचने में, और पहुँचने में ज़्यादा दूर नहीं है। मैं कभी 1250 पे कभी अपने इंटरसेप्टर पर, 1200 अपने इंटरसेप्टर पर स्विच हो गया हूँ मैं, और पीछे बैटर चलाने का मन नहीं है मेरा आज। ये देखो है थोड़ा सा, बहुत देर लगी यार, 60-70 किलोमीटर दूर से आ रहा है, 70 किलोमीटर, क्योंकि हुआ ये कि भाई हमने जाना था जहाँ एक्सपल्स लेने के लिए इसकी समीरन की, और समीरन की एक्सपल्स ट्रांसपोर्ट पे खड़ी थी, तो वो था काफ़ी दूर। आ गए हैं और मिस्टर सेक्सी ठीक है, 2-10 रुपए की 2 रुपए की बात थी भाई साहब, और मेरे भाई की हालचाल, की हालचाल, की हालचाल, ब्लॉगर ब्लॉगर कुछ नहीं बस। फाइनली शोरूम तो आ चुके हैं कावासाकी के, आके जा रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज हो गया है, पाजी ने कंफ्यूज किया, पाजी क्या कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा है, कह रहे मैंने 300 लेनी है 6000 लेनी है, तो कह रहे 6000 के अच्छे लगे 300, बोले जब 6000 सोच ही रहे हो तो 10000 सोच लो, कह रहे यार 10000 ले सकता हूँ, तो बोले जब 10000 सोच ही रहे हो साहब पेमेंट लिखो शोरूम में $1000 सोच लो, कह रहे हैं वो भी सोच सकता हूँ, मतलब बजट है ना, तो बोले जब $1000 सोच रहे हो तो उसके बाद में दुपाटी का उससे अच्छी बाइक तो है नहीं, दुपाटी हीट ज्यादा मारती लेकिन ज्यादा चलानी नहीं, वो भी सोच सकता हूँ, तो सोच नहीं बैठे शोरूम वालों ने पता क्या करना है, धक्का मार के बाहर निकलते हैं, सालों निकले चलिए शोरूम वाले नहीं निकालते, अच्छा ग्राहक बैठे हैं कोई तो आया, मतलब कहाँ पहले मैं सोच रहा था कि वो वाली, पहले तो इसके बारे में पहले सोचा था जो दिख नहीं रहा पर अंदर है जीन ऑसम कट दिस, देखो मिरर जो दिख रहा है जीन ऑसम, ये लेकिन नहीं आते। A few moments later. जी बाइक हो चुकी है अब रेडी पूरी तरीके से, और अब दिखाते हैं आपको बाइक में क्या क्या काम किया है, और पाजी पहले बताओ आपको कैसा लगा वर्क इसका? भाई बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता, 2 हफ्ते बाद मुझे आज मेरी बाइक मिल रही है, और काम इन्होंने किया है 1 नंबर, ये क्या खुशी है, यह खुशी है दुख है, जितना सीरियसली बोल रहे ये दुख भी है और खुशी भी है, दुख इसलिए कि 2 हफ्ते तक मेरी बाइक मेरे पास नहीं थी, लेकिन खुशी इस चीज के कि आज मैं बाइक लेकर जा रहा हूँ,
आप भी देख लो बाइक, लेकिन जो काम किया है, जो एग्जॉस्ट लगाया है, जो एयर फिल्टर लगाया है, और जो आवाज आ रही है इसमें से, मजा मैं कह रहा हूँ हमारी CRF के मुकाबले पहुंच गई, नहीं मतलब CRF फेल हो गई, उसके मुकाबले पहुंच गई है ये, बराबर बराबर। और ग्राफिक डिजाइनिंग कैसी लगी? ये तो एक नंबर भाई, ये एक नंबर। ये ग्राफिक डिजाइनिंग का दिमाग किसका था भाई? उन्होंने फोटो भी सेम ऐसे कुछ कुछ इतना इतना ना, मेरे को भी वो दे दिया थोड़ा, वो क्या कहते हैं, क्रेडिट इतना इतना दे दिया। इन्होंने फोटो दी थी सेम, हमने फोटो जैसी बना दी। फोटो में आपको दिखा दूँ किस तरीके से? नहीं नहीं, मैंने मतलब ऐसा दिखाया था कि मेरे को ना कुछ ऐसे टाइप का चाहिए, और फोटो में कलर कुछ और थे, ये इनकी तारीफ है, फोटो में कलर कुछ और थे मेरे को, लेकिन पिंक और नियॉन चाहिए था। साहिबा ने बोला बाइक मैंने चलानी तो पिंक और नियॉन कलर ज्यादा चाहिए, तो जो फोटो में रैप था उस रैप को बिल्कुल चेंज करके मैंने बताया यहाँ पर ये कलर, और इन्होंने मिक्स करके वैसा बना दिया। ये काबिल तारीफ है, बहुत बढ़िया। चलो जी अब दिखाता हूँ आपको बाइक, ये देखिए बाइक का जो ग्राफिक है। पहले ना ये जो बाइक है आपको पता है व्हाइट कलर की बाइक है पूरी, और बाइक कलर की बाइक को कर दिया गया पूरा ब्लैक। सेम ये बाइक, सेम ये वाली बाइक थी। ये हमारे समीरन चाचा की है, वो देखो बैठे हुए समीरन चाचा, ये रहे चकल देख लो इनके चाचा की। अब देखते रहते हैं ना क्या काम करता है। अब ये आसाम से उठा लिए, ये कह रहे हैं हम इसे ही लेके जाएंगे। ये बंदा लगता है शरीफ है, शरीफ यार लगता नहीं है, देख लो ठीक है ना। तो इसकी जो ग्राफिक है वो आप देख सकते हो, पहले पूरी बाइक कर दी गई ब्लैक, और ब्लैक करने के बाद इसके अंदर जो डिजाइनिंग जैसी पाजी ने फोटो दी थी उसके अकॉर्डिंगली कलर कर दिया गया भाभी जी की पसंद से, क्योंकि उन्होंने जो कलर बताया था वही सेम कर दिया गया इसके अंदर, नियॉन एंड पिंक, और ये वाइट कंट्रास्ट जो इसके अंदर अच्छा लग रहा है। लुक देख लो आप इसकी किस तरीके से आ रही है। इसके साथ में टॉप रैक वगैरह लगा हुआ है, और छोटे मोटे दो चार काम और हैं इसके, टायर भी डले हैं इसके अंदर। लुक चेकआउट करो टायर डलने कैसी आ रही है इसकी, फुल्ली ऑफ रोडिंग बाइक बन चुकी है। जैसे आप देख सकते हो ऑफ रोडिंग ऑलरेडी है, बट टायर इसके अंदर ऑफ रोडिंग वाले लगे हैं, और इसके अंदर हमने एयर फिल्टर भी लगाया है, तो परफॉर्मेंस वाला इसके अंदर लगा दिया गया है एयर फिल्टर, और साथ में एग्जॉस्ट जो कि लगाया है इसमें T5 का एग्जॉस्ट फुल सिस्टम। लुक चेकआउट कर लो कैसी आ रही है इसके लगने के बाद। आपको भी पसंद आ रही होगी तो भैया जल्दी से ऑर्डर कर देना अपने छोटे भाई के पास, क्योंकि तुम्हारा भाई दे देगा आपको जितने मर्जी ले लेना, टेंशन नहीं सकती। और साउंड सुना दो कैसे साउंड इसके आने वाली है। साथ में बोबो का ओरिजिनल मोबाइल ऑर्डर भी लगाया है जो कि मिलता है आपको वायरलेस। तो करते हैं इसको स्टार्ट। भाई साहब देख रहे हो जी, ये कुछ इसकी साउंड है आइडल पर स्टार्ट करते ही, और अब टोटल देखे सुनाता हूँ किस तरीके की साउंड का है। सुनिए ऐसा रोड पर चलेगी तो बवाल मचेगी बवाल, जैसे जैसे पाजी की CRF है ना, CRF की टक्कर नहीं दे सकते, वो अलग बात है, क्योंकि हमारा बोलें तो CRF वाले मुझे बोले पाजी कुछ कह दे मुझे, उससे पहले बता देता हूँ कि CRF जैसी आवाज़ इसकी हो चुकी है लगभग लगभग, और ऐसी बाइक अगर वो निकलेगी तो रोड पे आपको पता बवाल तो मचेगा मचेगा। एक तो उसकी कलर डिजाइनिंग ग्राफिक बहुत अच्छी करवाई है उन्होंने, पसंद होने की थी चॉइस होने की थी, हमने सिर्फ किया है, क्रेडिट गोज टू राजू भाई। मजा आता है मुझे कभी भी। और देखो साथ में ना इसमें हैजार्ड वगैरह लगा हुआ है जो कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो में नहीं बताया था, हैजार्ड भी इसके अंदर लगा दिया गया। सिमटेक ओरिजिनल मोबाइल होल्डर बर बस्टर का आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, हैंड गार्ड जो कि इधर भी और इधर भी। और ना आज पाजी अपनी ये भी लेकर आए हैं, अपनी नहीं लाए हैं, अपनी लाए हैं, ये लाए भाभी जी की, देख लो अपनी लाए भाभी जी के लेकर आए आज। इसमें भी छोटे मोटे काम थे जैसे कि इसके अंदर दोनों भाभी जी का ही है, अरे दोनों ही भाभी जी, भूल ही गया था अभी तो यहाँ बैठे हैं। क्या कह रहे हो हम भाग जाते हैं देखो तो मतलब अच्छा तुमने मेन चीज तो बताई नहीं, बताओ और फुल सिस्टम जिसकी साउंड आएगी लुक लाइक धासू, धासू नहीं यार लुक लाइक सुपर बाइक, और धासू साउंड आएगा साथ में ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट है जिससे आपके इंजन पे इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। देखा ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं और इनकी बात मानिए, हमारे सवेरे में जल्दी से R15 में लगाइए वाला बाइक का, जैसे इस बाइक का भी एग्जॉस्ट लगाना तो ये इस बाइक के हिसाब से ही एग्जॉस्ट बना हुआ है, यस, तो इंजन का पावर जितना है उस हिसाब से बैंड बना हुआ है सारा कुछ, उस हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया इसको, खुद डिजाइन नहीं करा, ये बना बनाया कंपनी से और अच्छे से टेस्ट होके आता है, परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे कि मैं समझा रहा हूं जैसे देखो इसके अंदर ना ये जो कैथलिक कन्वर्टर होता है ये आपका एसी गर्म हो गया क्या, ये आपका एसी यूज़ के लिए होता है जैसे कि आपको पता ही है ठीक है ना, ये कैथलिक जिसके अंदर होता है वो आपका ओरिजिनल ही होगा इसके अंदर। सेंसर वेंसर देख लो, लुक देख लो आप, लुक भी अच्छी है और परफॉर्मेंस इससे काफ़ी बढ़ जाती है। और अब जो गाड़ी भागेगी ना तो गोली की तरह भागेगी गाड़ी, साथ में मैडोक की फॉग लैंप भी लगी हुई है जो कि देख सकते हो आप, और मैडोक की फॉग लैंप लगने के बाद लुक कैसी आ रही हो भाई, पूरी बाइक की लुक चेक आउट हो लो एक बार इधर से लेकर इधर तक किस तरीके से आ रही है इसकी। तो साथ में ना ये भी आई हुई थी यहाँ पर BMW, इसके अंदर हमने क्या किया इसके अंदर फॉग लैंप्स ना
चलो जी, ये इसके फॉग लैंप जो है इसके क्लैंप वगैरह लगा देंगे, जैसे देख सकते हो आप ये काफ़ी हैवी क्लैंप है जो लग चुका है इसके अंदर, और इसके अंदर 09 एक ये भी लगा देगा। और भाई साहब गाड़ी ना इतनी किलर लुक लगती है ना, वैसे जब रोड पर चल रही थी ना ये, तुम पीछे ही बैठे हुए थे? मैं पीछे बैठा हुआ था, नहीं नहीं बहुत सारी वीडियो। अच्छा, मैंने आज क्या करा, आज मैं तीन बाइक पर बैठा, पहले अपने इंटरसेप्टर बैठा, फिर उसके बाद इस पर बैठा, तीन बाइक पे आज तीनों के साथ बैठे बारी बारी। ये भी बात सही है ना, तीनों के साथ। सबसे बढ़िया किसने चलाए पहले ये बताओ? सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया Only for this person. देखा, क्योंकि मैं 12 बच्चा चला रहा था ना, कंफर्टेबल है ना, इसलिए इसलिए के लिए थालिया है, इसलिए इनको। और सबसे खराब किसने चलाई बता दूं? मेरे को पता, मैंने चलाई थी। संतोष का नाम लोगे? नहीं, मैंने चलाई था, मैं खुद का नाम दे रहा हूं यार, मैंने चलाई नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूं। तो सबसे खराब मैंने जो कि मैंने बाइक नहीं चलाई आज, और अब निकल रही है सारी बाइकें, और वो वाली बाइक जो है वो यहीं पर रहेगी। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, जल्दी से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता पाजी को जल्दी, वो मेरी वीडियो की वजह से वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वीडियो करता हूँ वो अपना थोड़ा सा स्टार्ट करो, फिर जाए। एम आई राइट? छोटो को हेलो। चलो जी, सबको हेलो, सबको बाय बाय। हाँ भाई, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।